क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है कि रेसर ए रेसर बी जो है ये 3 किलोमीटर का एक रेस है और 800 मीटर का क्या है ट्रैक है। तो एक ट्रैक है जिसका लेंथ है आपका क्या 800 मीटर और रेस का लेंथ कितना है, रेस का जो लेंथ है वो है 18 किलोमीटर, इसको 18,000 मीटर भी आप लिख सकते हैं। फिर बोला है कि ए को अगर जो टाइम लगता है 200 सेकेंड लगता है, तो बताइए ए जो है 200 सेकंड में 800 मीटर जाता है, पूरा 800 मीटर जाने में इसको कितना लगता है 200 सेकंड। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 18,000 मीटर जाने में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे इसका एक चौथाई, मतलब कि यही बोलेंगे ना 2,200 / 800 × 18,000, इसका मतलब 4,500 सेकंड जो है इसको लगेगा। अगर पूछेगा आगे देख लेते, 200 and 250 सेकंड दिया, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम, मतलब कि जो तेज जा रहा है, तेज तो ये जा रहा है क्योंकि इसको कम टाइम में कंप्लीट कर लिया, ये स्लोअर वाले को आखिरी बार कब मिलेगा, इतना तो हो गया। अच्छा एक और बात, जो भी है वो 4,500 सेकंड से कम ही होना चाहिए, बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, ए एंड बी जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा क्योंकि रेस तो सेम डायरेक्शन में होता है, कुछ देर के बाद ए आगे रहेगा बी इधर रहेगा, पहली बार ए एंड बी कब मिलेगा, जब दोनों के बीच का जो गैप है ना गैप ए 800 मीटर का हो जाए तो पहली बार मिलेगा। और मान लेते हैं वो टी सेकेंड है, तो फिर टी सेकेंड के इंटीग्रल मल्टीपल में हर बार मिलता रहेगा, बोलेंगे ये भी सही है। तो टाइम हम कैसे निकालें, 800 मीटर जो है का गैप होना चाहिए जो कि डिस्टेंस है, ए क्या होना चाहिए इन दोनों का गैप, तो गैप का मतलब क्या रिलेटिव स्पीड, स्पीड कैसे निकालेंगे, 800 में जब आप 200 से भाग देंगे ए जो हो गया ए का स्पीड होगा, फिर 800 में आप 250 से डिवाइड करेंगे ए होगा बी का स्पीड। हमने क्या निकाल लिया कि पहली बार वो लोग कब मिलेंगे, 800 चला जाएगा ऊपर बचेगा 250 × 200/50, ए आ गया 1000, इसका मतलब पहली बार जब वो लोग मिलेंगे 1000 सेकंड में मिलेंगे। तो टाइम व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्या होगा आपका 1000 सेकंड हो गए। और फिर हमें क्या पता है कि 1000 सेकंड के इंटीग्रल मल्टीपल में ही से मिलना है और जो भी मिलना है वो 4500 सेकंड से पहले मिलना है। तो टाइम ऑफ लास्ट मीट, आखिरी बार वो लोग कब मिलेंगे, 1000 का मल्टीपल होना चाहिए 4500 से पहले होना चाहिए, तो 4000 सेकंड होना चाहिए, इसका मतलब 4000 सेकंड में वो लोग आखिरी बार मिलेंगे और सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सलूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।